पुके मर गए 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 पुके रिकेट साफ रिकेट साफ सादा हक सादा हक सादा हक गेट बंद है अंदर नहीं मैं गेट नहीं पास ये 26 नंबर चुंगी है, यहाँ से मुकम्मल जाम हो चुका है। हमें तो ये समझ नहीं आती हुकूमत करना क्या चाह रही है। मुजाहिरीन ने पथराव किया है, जिस वजह से ये सारे रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं। आगे यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह है, वहाँ पे मरीज़ जो है ना वो शदीद किस्म के इंजर्ड हैं, वो भी फंसे हुए हैं, वो सामने जा रही है एम्बुलेंस। तो समझ नहीं आ रही कि हुकूमत करना क्या चाह रही है आवाम के साथ। बहुत बदतरीन दौर देखे हैं, बट ये दौर तो हम देख के हैरान रह गए। इमरान खान की अजमत को सलाम, जिसने पूरा मुल्क जाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबूक सैयद और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिलू एरिया में। आज यहां बिलू एरिया में मुख्तलिफ़ इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाज़मीन ने तनख्वाहों में इजाफ़ा न करने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस ने गुज़श्ता रात बड़ी तादाद में इन मुलाज़मीन के जो रहनुमा थे उन्हें गिरफ़्तार कर लिया, और सुबह जब वो यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा करने के लिए आए तो उन पर शैलें की गई। और मैं आपको बताऊँ कि मैं कम अज़ कम कोई 1.5 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ डी चौक से, लेकिन जो शेलिंग है उससे यहाँ पर भी लोग मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि जो उसकी स्मेल है और उसकी जो यहाँ तक महसूस की जा सकती है, और यहाँ पर बात करना खड़े होकर करना इतना आसान काम नहीं है। टीचर क्यों एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, और ये वफाकी मुलाज़मीन ने क्यों इतना बड़ा कदम उठाया कि वो यहाँ पर आ गए और यहाँ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। आइए उनसे जाने की कोशिश करते हैं कि वो बताएँ कि इस एहतजाज का बुनियादी मकसद क्या है और वो ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं। आप लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं? ये तो सबको पता है, ये बहुत अरसे से ये मसला चला रहा है कि हमारी जो यूनियन है और एसोसिएशन है वो कह रहे हैं कि भाई आपने महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है तो तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ये 2 साल हो गए, 1 रुपया ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, और महंगाई डबल से ट्रिपल हो रही है, 200% से ज़्यादा ऊपर चली गई है। तो इसीलिए ये लोग प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। आप कहाँ से हैं? पेशावर से। आप क्या करते हैं? मैं सरकारी नौकर हूँ। क्या किस महकमे में नौकरी करते हैं? एजुकेशन में। एजुकेशन हाँ। हम के पी के पेशावर से आए जी। MBA MNA जितनी भी है अपने लिए तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमीन का कोई फिक्र नहीं है। सरकारी मुलाजमीन अपनी और अपने बच्चों को फाका दूर करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इस दौर में दाल महंगा है, चीनी महंगी है, सब कुछ महंगा है। हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, सरकारी मुलाजमीन बहुत मुश्किल से गुजर रहा है जी। तो इसके लिए हुकूमत बिल्कुल खामोश बैठी हुई है और कुछ नहीं कर रहा है, ताकि उनको भी पता लगे कि आम सरकारी मुलाजमीन के बच्चों का क्या हाल है। सरकारी फीस और दीगर मसाइल जो है हेल्थ के ज़रिए से जो हो रहा है, दवाई नहीं ले सकते जी, और कपड़े नहीं ले सकते बच्चों के लिए, और बहुत से मसाइले जो हो रहे हैं जी। और सरकारी मुलाजमीन बहुत मुश्किल अपनी ज़िंदगी
इस दौर में गुजर रही है। अपने लिए फिक्र है लेकिन सरकारी मुलाजिमीन के लिए कोई फिक्र नहीं है जी। क्या आप ये मुजाहरा क्यों कर रहे हैं और कहाँ से आए हैं? हम तो ज़िला लोअर दीर से आए हैं और ये तमाम सरकारी मुलाजमीन जितने भी पाकिस्तान के गवर्नमेंट एम्प्लॉज़ है वो सब यहाँ अपने हकूक़ के लिए इकट्ठे हुए हैं और उनके मुतालिबात है चार्टर ऑफ डिमांड इन्होंने पेश किया हुआ है। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और हुकूमत ने तनख्वाहों में पिछले साल भी इजाफा नहीं किया था और इस साल भी वो तनख्वाहों में इजाफा करने का इरादा नहीं रखते। दूसरे मुख्तलिफ जो महकमे हैं एक ही मुल्क है लेकिन उसके तनख्वाहों में तजाद है। एक ही स्केल में एक मुलाजिम एक महकमे में एक तनख्वाह ले रहा है और दूसरे महकमे में वो उससे कम ले रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ सरापा एहतजाज है और ये तमाम मुल्क के जितनी भी सरकारी मुलाजमीन है वो सब यहाँ आए हुए हैं। तो अभी आपके खैबर पख्तूनख्वा के वफाकी वज़ीर इत्तला'आत हैं जो मरकज़ में शिबली फराज साहब जी, उन्होंने आप लोगों को मशवरा दिया है कि अपने ख़र्चे कम करें, इस पर आप क्या कहते हैं? ये अपने जो बात करते हैं वो ख़ुद इनसे यू टर्न लेते हैं। हम जब पिछले साल आए थे किस तारीख को आए थे 6 अक्टूबर को, तो इन्होंने हमें हुकूमती पेड पर लिख कर दिया था कि अगले साल जनवरी से आपका ये जो जितना भी आपके डिमांड है ना ये सब पूरे होंगे। उसमें अली मोहम्मद खान थे और ये शिबली परास थे और परवेज खटक थे, कासिम सूरी थे, इन्होंने हुकूमती पेट पर लिख कर दिया था लेकिन अभी वो उन्होंने अपने उस बात से ना यू टर्न लिया। जब वज़ीर आज़म का 2 लाख पर उसका गुजार नहीं होता तो एक सरकारी मुलाजिम का 20-32 हज़ार पर इसका कितना जो ना वो गुजार होगा? दूसरी बात ये कि कितना किस पे खर्चा नहीं हो रहा? 2 लाख से वज़ीर आज़म का खर्चा पूरा नहीं हो रहा ना, वो दो बंद है घर में और दो उनके कुत्ते हैं, तो गरीब मुलाजिम के 25 हज़ार में गुजारा कैसे होगा? दूसरी बात कहते हैं कि अपने खर्चे कम करें, तो पिछले बजट में इसने 300% इजाफा क्यों किया एम पी एज एमज और वज़ीरों के तनख्वाहों में? अपने तो बढ़ा देते हैं लेकिन गरीब मुलाजिम के लिए कर कुछ नहीं है ख़जाने में। हम देर से आए हैं, लोअर देर से आए हैं, वो जो बुनियादी ज़रूरत है इंसान का बुनियाद वो कैसे कम हो सकता है? इंसान वो कैसे कम कर सकता है? रोटी कम कर सकते या इसके दवाइयों का जो नहीं कर सकते, क्या वो कैसे कम कर सकते हैं? जो वो कहते हैं कि भाई अपनी ज़रूरत अपने अखराजात कम करें, इंसान का जितना ज़रूरियात होते हैं बुनियादी ज़रूरत उसके बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता, तो कैसे कम कर सकते इंसान? आप सब लोग प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं? प्रोटेस्ट के लिए आए हैं आप लोग? आप कहाँ से आए हैं? सोबी से। कौन सा रोशनी आए? सोबी से। अच्छा, तो बताएं आप क्यों मुजाहरा कर रहे हैं, क्या वजह है? हम ही महंगाई की वजह से और तनख्वाह भी बहुत कम है, गुजारा नहीं हो दिए। और किस महकमे में आप? एजुकेशन में। तो क्या टीचिंग स्टाफ? टीचिंग स्टाफ। तो मतलब अभी तो हुकूमत आपसे ये कह रही है कि आप लोग अपने खर्चे कम करें। अभी वज़ीर इत्तला'आत ने आप सभी लोगों के लिए पैगाम भेजा है कि अपने ख़र्चे कम करें और शेख रशीद साहब कहते हैं कि रात को आपने जो वादा किया था आप मुकर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप लोग। किससे वादा किया था? किसी का कहते हैं आप लोगों से वादा किया था कि ग्रेड 16 तक तनख्वाहें बढ़ाएंगे, ये ग्रेड 22 तक बढ़ाने वो की बात है। वो पाक के लिए बढ़ा के हमारे लिए नहीं। अच्छा, सुबह गुजारे करते हैं पेड़ पर भी गुजारे करी, हम भूख मर जाए। हमारा नाम मुकरम शाह है और हम पेशावर से आए। सारे जैसे कि आपको मालूम है सारे असातिज़ा और सारे जो है मुलाजमीन जो है वो बड़े महंगाई के दौर से और महंगाई के अजाब से गुज़र रहे हैं और ऐसे हालात में जो है सरकारी मुलाजमीन के लिए और ख़ुसूसन असातिज़ा के लिए जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हम एहतजाज कर रहे हैं कि वो हमारे लिए ऐलान करें और इस महंगाई के दौर में जो है हमारे लिए जो है कुछ करे। तो आपको अभी आपके खैबर पख्तूनख्वा के ही वज़ीर इत्तला'आत हैं जो वफाक वज़ीर इत्तला'आत हैं शिबली फराज साहब, उन्होंने आपके लिए एक मशवरा दिया है, उन्होंने कहा आपने खर्चे कम करें, तो क्या कहेंगे इस पर? खर्चे तो हमने पहले से खर्चे तो हमने बहुत कम किए,
लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई, हाँ 10 गुना 20 गुना बल्कि 100 गुना महंगाई बढ़ गई है ना। अब यकीन करें कि हम जो है 10-15 तारीख तक हमारी तनख्वाह हमारे साथ रहती है, 10-15 तारीख के बाद हम कर्ज़ों पे चल रहे हैं। तो जिस तरह महंगाई बढ़ गई, इसी तरह से मतलब वो भी बढ़ाना चाहिए जी। हाँ सब कुछ हमारे लिए दवाई महंगी हो गई जी, दाल महंगी हो गई, बात ये है कि हम तो इस 40-50 हज़ार में अपने जो खर्चा है वो कम कर देंगे। इमरान खान साहब जो 2 लाख ले रहे थे वो तो कहता था कि मेरी इस पे गुजारा नहीं हो रहा, अब उन्होंने अपना जो है तनख्वाह जो है 8-9 लाख रुपये कर दिया, तो वो कम नहीं करता। आप हमारे बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं जी। और इमरान खान साहब मियां बीवी हैं जी, वो उसके साथ रहते भी नहीं है ना, वो तो उधर ही है, लेकिन यहाँ तो ये अकेला रहता है ना। इनके खर्चे मतलब कम नहीं हो रहे, इनके मतलब जो है तनख्वाह पे गुजारा नहीं हो रहा। हमारे लिए जो हुकूमत ही देती है 40-50 हज़ार जो हमें ये जो सैलरी देती है, इस पे हम कहते हैं कि यार अच्छा महंगाई का आप देख लें, पेट्रोल देख लें, जो बिजली का बिल है, सुई गैस का बिल है, कितना बढ़ गया है, तो कितना हद तक हम गुजारा करें। ये चलो हम ये शेख साहब को कह देते हैं जो हमारा मुशीर ख़जाना है, ये हमारे लिए ये 40-50 में ये जो है बजट बना कर देंगे तो हम फिर मान लेंगे। ये खुद इनको पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि महंगाई किधर चली गई है। पिछले साल या 2 साल पहले जो चीज़ 10 रुपये की मिलती थी आज वो 150 रुपये की मिल रही है। हाँ तो इसमें भी आप कहते हैं कि यार खर्चे कम करें, कैसे? अगर हो सकता था तो हम कर देते थे, हमें क्या ज़रूरत है सड़कों पे निकलने की? हम हमारा काम पढ़ाई है, हम पढ़ाई बच्चों के लिए आए हैं, वो हमारा काम है। ये नहीं है कि सड़कों पे निकले एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, इसके लिए हमारा काम नहीं है। लेकिन ये कि गवर्नमेंट को साथ साथ कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि हम उसके बाजू हैं, हमारे दम से और जो मुलाजमीन हैं उनके दम से ये मुल्क जो है, ये रियासत जो है वो चल रही है, तो इनका थोड़ा सा सोचना चाहिए ना। अगर इसको ये फैसिलिटेट नहीं करेंगे, अगर ये इसको असुदहाल नहीं करेंगे, तो फिर मसाइल तो बनेंगे ना, हाँ मसाइल जन्म लेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा कोई सियासी अजाइम नहीं है, हाँ कोई सियासी उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम सिर्फ अपने हक़ के लिए निकले हैं। और हक ऐसे नहीं कि हमारा उस पर गुजारा नहीं हो रहा, हम कर्ज लेकर 10 तारीख के बाद हमारे पास तनख्वाह नहीं होती, हम फिर ये 20 दिन जो हैं ये गुजारा कर्ज़ों में करते हैं, फिर वो आते हैं हमारा दरवाज़ा कटखटाते हैं, उसके सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। तो हम तो बस रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सोच लें, खैर ये जो हमारे अफसरान बाला हैं ये बैठ जाएं और कोई ऐसा लाहे अमल निकालें कि हम अपने कामों में मशगूल रहें, अपनी पढ़ाई में, अपने दफ्तरों में, और ये भी अपना काम आसानी के साथ कर सके। बहुत शुक्रिया। ये इत्तला आई है कि कल से सरकारी मुलाजमीन ने मुल्क भर में काम करने से इनकार कर दिया है, क्या ये बात दुरुस्त है? वैसे ऐलानात तो होते हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमीन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं, पाबंदी से अपने काम करते हैं, पाबंदी से अपनी ड्यूटी पे जाते हैं। नहीं, क्योंकि ये हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती तो क्या करेंगे आप? हाँ तो ज़ाहिर है कि जब हमारे जो लीडर है, हमारे जो वो है, वो हमें जो काल देंगे हम उस पर अमल करेंगे। सेनेट में इतने बड़े बड़े वो सौदे हो रहे हैं और वो लोगों को पकड़ रहे हैं और असम्बलियों को, मेम्बरान को पकड़ रहे हो, करोड़ों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की वो बोलियाँ लग रही है और हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम इसीलिए मतलब ये एहतजाज कर रहे हैं कि मतलब सारे जो है हम भी सरकारी मुलाजमीन हैं, इतने बड़े खिदमात अदा करते हैं सारे मुल्क को, इंशाल्लाह तो सारे हो जाए। तो आपने नाजरीन देखा और सुना कि ये लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं तनख्वाहों में इजाफे के लिए। 2 साल से इनकी तनख्वाहों में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया गया और इन मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत ने महंगाई में 100% इजाफा किया। MNAs की तनख्वाहों में, काबीना की तनख्वाहों में 100% इजाफा किया, और अगर नहीं किया तो उस तबके की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जो ऑलरेडी बहुत कम तनख्वाह ले रहा है। और उस पर वफाकी वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात शिबली फराज साहब ये कहते हैं कि आप लोग गुजारा करें। तो एक बंदे ने बड़ी दिलचस्प बात की कि जब आपका, आप 2 लोग हैं मियां बीवी और 2 आपके कुत्ते हैं, उनका गुजारा नहीं होता 2 लाख रुपए में, तो आप किस मुंह से लोगों को इस बात की नसीहत करते हैं कि वो 40,000 रुपये में
और 30,000 रुपये में गुजारा करें। तो वो तबका जो यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहा है, अपने हक के लिए आया है, और इमरान खान साहब ने एक दौर में ये बात कही थी कि अगर 100 लोग भी इमरान खान के ख़िलाफ़ यहाँ पर आ जाएं और उसे को मुतालबा करें, इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस छोड़ देगा। लेकिन आज वो इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस छोड़ना तो दूर की बात है, इन लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को दूसरी बार इक्तदार दिया है, और हम ये देख रहे हैं कि इतनी बुरी सूरत हाल है कि उन पर शेलिंग की जा रही है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, वो भूखे और प्यासे यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह सारे बंद हो चुके हैं, उनकी बुनियादी ज़रूरियात यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही, और उन्हें इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। सबसे अहम बात और सबसे जो खौफनाक बात है वो ये है कि यहाँ पर कई लोग बात करने के बजाय रो पड़े, उनमें हिम्मत नहीं थी, उनमें सख्त नहीं थी, वो बात करते और वो ये कह रहे थे कि हम क्या मुतालबा कर रहे हैं, अपने जिस्म का और अपनी रूह का रिश्ता बरकरार रखने के लिए वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए। तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं कर सकते तो महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हुकूमत ना तनख्वाहों में इजाफ़ा कर रही है ना महंगाई को कंट्रोल कर रही है। ये वो तब्दीली है जो ये हुकूमत लेकर आई है, और लोग अपनी हुकूमत से और अपनी रियासत से अपना जो ताल्लुक है उसमें एक फासला महसूस करते जा रहे हैं, और वो फासला आए रोज़ बढ़ता जा रहा है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया।